मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए हमारे शिक्षकगण भारत को विश्व का ज्ञान केंद्र बनाएंगे। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। महान शिक्षक ही महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। नवीनतम सोच वाले शिक्षक ही नवीनतम भारत का निर्माण कर सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये कहना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान उन्होंने चुनिंदा शिक्षकों को सम्मानित भी किया और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वैसे तो भारत का हर एक शिक्षक सम्मान के पात्र है, लेकिन सभी का सम्मान करना संभव नहीं है, लिहाजा सभी शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रपति ने नमन किया। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। एक आदर्श और अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थी के जीवन निर्माण में अपना सर्वस्व लगा दे, और ये भारत के शिक्षकों के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के युवा छाए हुए हैं। ये कहना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के हंसराज कॉलेज में द्वितीय महर्षि दयानंद स्मृति व्याख्यान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु की महत्ता विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ने समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, चाहे विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर किसी बड़ी कंपनी का कोई CEO, विदेशों में अधिकतर बड़े पदों पर भारतीय प्रतिभा स्थापित है। शिक्षक दिवस के मौके पर हंसराज कॉलेज के अलग अलग विभागों के शिक्षकों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मानित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा सांसद नवीन जिंदल भी उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु की महत्ता विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। अच्छा गुरु हमेशा अपने सामर्थ्य में जो भी उसके पास है वह अपने विद्यार्थी के लिए समर्पित करता है। दुनिया के अंदर आप देखोगे तो दुनिया के हर विकसित देशों के अंदर भी भारत के नौजवान विद्यार्थियों का ही योगदान है। भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में आज पुलिस ने मुठभेड़ में 6 माओवादियों को ढेर कर दिया। घटना छत्तीसगढ़ की सीमा के पास कारा कागुडेम मंडल के रघुनाथ
पालेम के पास की है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में तेलंगाना के कुछ शीर्ष माओवादी नेता भी शामिल हैं। ये मुठभेड़ जंगल क्षेत्र में उस समय हुई जब पुलिस दल तलाशी अभियान में लगा हुआ था। हालांकि मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पिछले 10 से 15 वर्षों के सतत प्रयासों के कारण तेलंगाना में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे क्षेत्रों में अभी भी माओवादी हैं। तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक महिला पर अत्याचार का मामला सामने आया है। तेलंगाना पुलिस ने गुरुवार को कुमाराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर मंडल में अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का प्रयास करने के आरोप में एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। हालांकि घटना की जानकारी के बाद इलाके में तनाव फैल गया। बुधवार को जिले के जैनूर में तनाव फैल गया और उग्र भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला कर उन्हें आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है और लोगों से सांप्रदायिक घटनाओं के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। जिला SP गौश आलम ने चेतावनी दी है कि जैनूर में सांप्रदायिक झड़पों पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य जथोथू हुसैन नायक और तेलंगाना भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण नायक ने कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूरू की आदिवासी गौंड महिला के बारे में जानकारी मिलने के बाद आज गांधी अस्पताल में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ने अस्पताल के अधीक्षक को पीड़िता को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में पूरी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि वो सोयांगुड़ा में अपनी मां के घर जाने के लिए जैनूर से जैनूर सोनू पेटेल नामक आरोपी के ऑटो में सवार हुई। ऑटो जब राघवपुर से गुजर रहा था तो ऑटो चालक ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब वो चिल्लाए और विरोध किया तो ऑटो चालक ने उसे नीचे गिरा दिया और उसे डंडे से पीट पीट कर मारा। तो ये हमने आपको खबर बताई। हालांकि इसके बाद में पुलिस प्रशासन वहां पर सतर्क हो गया है और इस पूरी घटना के बाद में अब जो है जांच इस पर जारी है। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो। पर दीप, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के शुरुआती हफ्तों में इस्तांबुल में हुई बातचीत में रूसी और यूक्रेन के वार्ताकारों के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था। यह समझौता कभी लागू नहीं किया गया। ये दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के लिए आधार बन सकता है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। बीते महीने ही यूक्रेन दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से शांति की अपील की थी और कहा था कि भारत इसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। देश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में अखिल भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन उद्योग समागम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस सम्मेलन में देश भर के उद्योगपतियों, उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया, जिसमें व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उद्योग समागम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर हम प्रतिस्पर्धा और सहयोग के मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हैं तो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम सब मिलके एक प्रकार से कंपटीशन
कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, ये तीनों को, इस तीनों के संगम को अपना एक मंत्र लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो तेज गति से अमृतकाल में विकसित भारत की तरफ प्रगति कर रहा है, इस प्रगति को हम और तेज गति दे सकते हैं और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका मिलकर निभा सकते हैं। हाल ही में JLL और लुसाल ने अपने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का नवीनतम संस्करण प्रकाशित किया, जो 89 देशों और क्षेत्रों में बाजार पारदर्शिता का मानक है। यह रिपोर्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कानूनी और नियामक वातावरण, डेटा की उपलब्धता और परिचालन स्थितियों का आकलन करती है। हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण रुझानों में से एक एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की आर्थिक प्रगति रही है, लेकिन जिस बाजार ने सबसे बड़ा सुधार दिखाया है वो बाजार भारत है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले दो वर्षों में शीर्ष वैश्विक सुधारक रही है। इसके प्रमुख शहर बाजारों के पारदर्शी समूह में शामिल हो गए हैं क्योंकि उनके रियल एस्टेट क्षेत्र अधिक संस्थागत हो गए हैं और डेटा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अधिक पारदर्शिता कई कारकों में से एक है जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत के संपत्ति उद्योग के असाधारण प्रदर्शन में योगदान दिया है और इसका श्रेय 2014 से लगातार किए गए आर्थिक सुधारों को जाता है जिसके पीछे एक मजबूत और स्थिर सरकार का विजन है। ये लार्जली हमारी अर्थव्यवस्था से भी लिंक्ड है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमारे कॉस्ट ऑफ स्केल एडवांटेजेस हैं, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है और एक बहुत ही प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सेटअप है जो बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में या बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जिनको जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट हुआ या इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पे मॉनेटरी टाइटनिंग हुई जिस वजह से डिमांड मोमेंटम काफ़ी स्लो हुआ, यहाँ पे भारत में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना बाकी डेवलपिंग या डेवलप्ड मार्केट्स में रहा है। सो उसका असर जो है रियल एस्टेट मार्केट पे भी दिखता है। भारत की तुलना में अन्य प्रमुख एशियाई संपत्ति बाजारों में विशेष रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र में तीव्र मंदी आई है। चीन में कई कार्यालय बाजार अति आपूर्ति से पीड़ित हैं जिससे रिक्तियों की दर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और किराए पर भार पड़ रहा है। MSCI के आंकड़ों के मुताबिक 2022 के बाद से निवेश गतिविधि में तेजी से गिरावट आई है। इस वर्ष की पहली छमाही में पूरे क्षेत्र में लेन देन की मात्रा में वार्षिक रूप से 7% की गिरावट आई है। इसके विपरीत भारत में वाणिज्यिक और आवासीय दोनों बाजारों में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक हिस्ट्री रचाई भारत में, ये क्या हिस्ट्री है? फर्स्ट टाइम भारत ने एक ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में एंटर किया है। ये जो इंडिया गवर्नमेंट है, जो भारत का सरकार है, ये लास्ट 10 ईयर्स में पॉलिसी मेजर्स लेके आए हैं ओवरऑल इकोनॉमी के लिए और रियल एस्टेट के लिए भी। ये रियल एस्टेट इसीलिए ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया, रिलेटिवली बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया। और जैसे मेजर्स हुआ है रेरा, GST, ये सब जानते हैं, तो इसके वजह से क्या हुआ कि फ्लो ऑफ फंड्स जो है, इंस्टीट्यूशनल फ्लो ऑफ फंड्स है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरफ से ही बहुत ही रोबस्ट एंड बहुत ही सिग्निफिकेंट फ्लो हुआ है। भारत के प्रॉपर्टी सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन में निवेश बाजार का संस्थागतकरण भी योगदान दे रहा है। इस वर्ष की पहली छमाही में संस्थागत निवेश 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी कि रीट बाजार की स्थापना ने तरलता को बढ़ावा दिया है, उद्योग के लिए नए शासन मानकों को स्थापित किया है और एक अधिक संस्थागत और टिकाऊ वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। भारत का कार्यालय रीट बाजार अब देश के कुल ग्रेड ए ऑफिस स्टॉक का 12% है। विशेषज्ञों की अगर माने तो भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में आई ये उछाल सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, अब इसका असर Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी देखा जा रहा है। अर्बन एरियाज में ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ये तेजी आई है। कैमरामैन नवीन और कालरा के साथ मैं विशाल बरिस्टू, DD News, दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।
वो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। हरविंदर ने लगातार दूसरे पैरालंपिक खेलों में पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था और पैरालंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने थे। पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरविंदर सिंह ने साबित कर दिया है कि हौसलों में ऊंची उड़ान हो तो फिर पैरों में जान के मायने कमतर हो जाते हैं। 1.5 साल की उम्र में हरविंदर को डेंगू हो गया था और उसके इलाज के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाए गए थे। इंजेक्शन के दुष्प्रभाव के चलते हरविंदर के पैर निष्क्रिय हो गए थे। पैरों की गतिशीलता जाने के बावजूद हरविंदर ने हार नहीं मानी और आज नतीजा सबके सामने है। तीरंदाजी में हरविंदर के स्वर्णिम सफर पर नजर डालें तो साल 2012 में लंदन पैरालंपिक देखने के दौरान उन्हें तीरंदाजी के प्रति जुनून का एहसास हुआ। 2017 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने पदार्पण किया और सातवें स्थान पर रहे। 2018 के जकार्ता एशियाई पैरा खेलों में हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। कोविड महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में उनके पिता ने अपने खेत को तीरंदाजी रेंज में बदल दिया ताकि वे ट्रेनिंग कर सकें। टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर हरविंदर सिंह ने इतिहास रच दिया। वे भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज बने। 2022 एशियाई पैरा खेलों में हरविंदर ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं 2023 एशियाई पैरा चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता। अब पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही हरविंदर पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। हरविंदर की इस उपलब्धि से उनके परिवार के लोग बेहद खुश हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मतलब ये सारा मेहनत का फल है। जिवें उन्होंने पिछली बार भी टोक्यो दे विच जापान दे विच उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतिया, इस तो बाद भी उन्होंने इन्ना ज्यादा मतलब कीती है ना स्ट्रगल किया जा कैंप वगैरह से किन्ना टाइम स्पेंड किया ता उहदे नाल उन्होंने मेडल का कलर चेंज होया। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। हाँ जी, तो बहुत वधिया फील हो रहा है, तो प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने इतना वधिया गोल्ड मेडल लेके आया पूरी कंट्री वास्ते अपने परिवार वास्ते। बहुत उन्होंने सब का नाम रोशन किया, पापा मम्मी सब का जी, सारे परिवार की सपोर्ट रही उन्होंने। सब ने अरदास बेनती की है, सब ने उन्होंने मेहनत सब तो ज्यादा उन्होंने मेहनत की, अपने परिवार तो दूर है, घर तो दूर है, अपने छोटे जे बच्चे तो दूर है। ये उनका लगातार दूसरा पैरालंपिक पदक है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। तीरंदाजी में सफलता के साथ वे पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी भी कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों से विजय तक की उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प और जुनून का प्रमाण है। हरविंदर की संघर्ष से सफलता की कहानी याद दिलाती है कि समर्पण और दृढ़ता हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तमाम बिजनेस लीडर्स ने भारत में व्यापार के सकारात्मक कदमों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। It's a very exciting, you know, to meet with Prime Minister Modi in person. His leadership is exceptional, you know. For the past, this is his third term, right? For the past two terms, you can see that India has become one of the major player globally, the fifth largest the economies in the world. And I would like to continue to encourage him to open up the market, you know, to consider some of the new policies, you know, or improve some of the existing policy to encourage more collaboration, you know, with particularly with Singaporean companies and then with the Singaporean investments. We're talking about, you know, high efficiency transportation systems. We're talking about smart cities. We're talking about the energy strategy and planning for clean and reusable energy and hydrogens. And then also the other very important sector is aviation. With the population growth, you know, we'll see the aviation related infrastructure will be in high demand. So these are the areas. And of course, the most critical part is really the
sustainability, and we need to be very mindful about how to design and plan and build the future cities in everything in a very sustainable way. Commitment to Digital India, the commitment to digitalization across all of Indian society has been actually something that is for a lot of places an example to follow. And I think we've been very excited and pleased by that, because what we've been able to do is enable the economy this way, the digital economy, and we've been able to serve more than 1,000 companies, small, medium, large companies in India, plus some of the big Fortune 500 companies, the big cloud players, because that enables them to come in and provide the digital infrastructure to allow all the other things like AI, greater e-commerce, and the proliferation of data penetration and broadband across the country. To demonstrate money where our mouth is, we are actually investing more than 26,000 crores, 3.2 billion US in the next 5 years to enable this. It means that substantial 550 megawatts of capacity will come online, data center capacity, which means that now the foundations across major cities and first, second tier cities, which we have been starting to invest in, not just the first tier cities, we've seen that basically that demand is increasing rapidly. And that will allow that whole Digital India story to really expand and grow dramatically. The fact that he spent so much time listening to the business interests and the issues as brought up by over 20 Singapore businesses reflected a very pro-business attitude that the Prime Minister has. Past, many businesses have always said that India is a very difficult market for investments, but the last 10 years have seen that to really change. As testified by many of the companies that were represented today, they have seen a growth, whether it's in aviation, whether it's in the industrial park, whether it's in financial services. I think things are opening up, and many of the businesses that gathered today have pledged increased investments into different parts in India, particularly in the renewable energy, in the opening up of the air services, as well as in the financial area. I think we are very encouraged by that, and I think one particular area that PM Modi spent a bit time talking was in skills development. And I think that's a big area where Singapore can contribute to, not only in terms of the skills development, but opportunity to do accreditation of the training providers there. In the power industry, I would argue that the power industry deserves a re-rating in India. You know, Prime Minister Modi and his ministries over the last few years implemented this very important policies that enabled the viability and the credibility of the Solar Electricity Corporation of India. And now we, you know, with the success of that, you know, we wanted to bring in NTPC, NHPC, SJVN to also, you know, mirror the effort that by SECI. So from that perspective, as a foreign investor in the renewable sector, this will present tremendous opportunities for us to pursue. और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार.